चिदम्बर भक्तों का दीर्घ दंड प्रणाम करते हुए चिदम्बर महास्वामी परब्रह्म परिपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सृष्टि के मूल उगम स्थान है, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म वस्तु है, ब्रह्म विष्णु महेश्वर के जो उगम स्थान है, वेद शास्त्र पुराण देवताएं सुर असुर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस निर्गुण निराकार शक्ति से उगम हुआ है, वही शक्ति इसी कलयुग में कर्नाटक प्रांत में सगुण रूप धारण करके जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी तत्व के अनुसार रामकृष्ण अवतार सोचा था चिदम्बर, चिदम्बर नाम धारण करके परब्रह्म परिपूर्ण का सगुण रूप का अवतार हुआ, दक्षिण परिदेश कर्नाटक प्रांत देते भगवंत प्रकटला, महापुण्य भूमि अमर कल्याण। भगवान का अवतार लेने का उद्देश्य यही है कि धर्म संस्थापन करने के। धर्म संस्थापन बोल तो क्या है, जो ये सृष्टि है भगवान का ही इच्छा से जो सृष्टि हुआ है, उस सृष्टि में जो भी जीव जंतु मानव सभी लोग आनंद से रहना चाहिए, यही धर्म है। आनंद बोले तो यह पर आनंद, जो देह के लिए चाहिए, सभी लोगों को भोजन का सब व्यवस्था होना चाहिए, स्वामी ही करते हैं, और जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है उसी उद्देश्य को प्राप्त करना ही धर्म का हेतु है। वही स्थापना करने के लिए चिदम्बर अवतार का विशेषता यही है कि जैसा गीता में कहा है वैसा विनाश आए से दुष्कृताम बोला है उधर, तो स्वामी ने क्या किया है, विनाश नहीं किया है, स्वामी दुर्जनों को भी सन्मार्ग में उनको परिवर्तन किया है, महान भक्त थोर भक्त करके उनको धर्म मार्ग में लगाया है। दासपणे जाला गरीब ब्राह्मण न दुख वीमन दुर्जनांसा, दुर्जनों का भी मन दुखाया नहीं स्वामी ने, सभी को कल्याण किया है। ऐसे परब्रह्म परिपूर्ण चिदम्बर साक्षात पांडुरंग के अवतार, उनके समकालीन वांग्मयकार परम भक्तों में जो अग्रेसर है जगतगुरु संत श्रेष्ठ दास राजा राम महाराज, इस अभंग सत्संग का मूल उद्देश्य है। जो सरल भाषा में वेदों को तो पढ़ना अभी हम सबसे सबको मुश्किल है, इसलिए वेद के बाद वेदों का जो सरल भाषा में आया अगला उपनिषद आया, लेकिन वो भी उपनिषद भी संस्कृत में रहता है, वो भी हम पढ़ नहीं सकते। फिर पुराण आया है और सरल में लोग अध्यात्म समझे, इन पुराण पढ़ने के लिए भी किसी को समय नहीं है, इसलिए भगवान ने क्या किया, संत वाणी प्रारंभ किया, जो सरल भाषा में जो बोलने वाली भाषा में हर प्रांत में संत है, तमिलनाडु कर्नाटक कर्नाटक में दास साहित्य है, लिंगायत वचन है जो सरल लोगों के लिए समझ में आ सकता है, वेदांत को ही सरल और सिंपल शब्दों में बताया गया है। उसी उद्देश्य से अभंग सत्संग का जो हमारा वेदिक है प्लेटफॉर्म है, जगत गुरु दास राजाराम महाराज का लिखा हुआ अभंग
साक्षात महास्वामी का वाणी ही है। राजा राम महाराज कहते हैं कि निमित्त दासांच शब्द हे सखोल बोलविता बोलच लंबर। महास्वामी ने जो बोला है वही मैंने लिखा है। तो चिदंबर की वाणी श्रवण करना, पारायण करना और इस बार ये जो एक घंटा हमें मिलता है, कई बार लगता है कि अरे कुछ तो तैयारी नहीं किया है, आज तो घर में बहुत काम है, ये है वो है, लेकिन ये एक घंटा जो हमारा मन की अवस्था रहता है वही हमारे लिए अनंत जन्म का पुण्य है। ये अभंग सेवा छोड़ने के लिए मन करता ही नहीं है, पूरा अभी कैसा है अनिवार्य परिस्थिति में छोड़ना पड़ता है, नहीं तो हम तो खुद होके कभी पारायण नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये जो अभंग सत्संग के वजह से कुछ ना कुछ तो आकर इधर बोलना पड़ता है, वही एक स्वामी का सेवा है। चिदंबर स्वामी स्वमुख से बोले हैं कि राजा राम महाराज के अभंग जो पारायण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसके अंतकरण में मैं सदा रहता हूँ। देखिए एक सिंपल तत्व स्वामी ने बताया है, साक्षीभूत रहना है हमको। अगर हमें भक्ति करना है, स्वामी को प्राप्त करना है, साक्षीभूत स्वामी का वर्णन करते हुए राजा राम महाराज ने जो श्लोक में बोला है, नमो चिदंबरा विश्वंभरा माया पिता गुण गंभीरा, उसमें आता है साक्षीभूत। हम इस संसार में रहते हैं, जो सुबह से शाम तक हमारे आंखों के सामने जो होता है, उस इवेंट्स को, घटनाओं को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट नहीं करते हुए उसे चिदंबर का एक खेल है, चिदंबर का एक नाटक है, उसे आनंद लेना चाहिए और साक्षीभूत रहना चाहिए। कितना सरल और सिंपल तत्व है। हम क्यों परेशानियों में गिर जाते हैं, क्यों हम मानसिक दबाव में आ जाते हैं, क्यों हम स्ट्रेस प्रेशर में आते हैं? क्योंकि हम साक्षीभूत बनना नहीं चाहते, हमको हर चीज में हमको रिएक्ट करना। घर के बाजू में कुछ हो गया तो पूछते क्या हुआ, किसने क्या किया, उसने ऐसा किया क्या, इसने ऐसा किया क्या, अरे ये तो उसने गलती किया। इसका उदाहरण स्वामी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जब सूर्य प्रकाश देते हैं भूमि पर, तो वो साक्षीभूत रहकर प्रकाश देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कहाँ कुछ झगड़ा चल रहा है, कहाँ कुछ मंगल कार्य चल रहा है, कहाँ कुछ भी कुछ गलत काम चल रहा है कहीं। तो स्वामी सूर्य नारायण ये नहीं सोचते कि वो अपना काम करते हैं, सभी को प्रकाश देना है और साक्षीभूत रहते हैं। जो भूमि के ऊपर जो कुछ भी चल रहा है उससे उसके बारे में वो रिएक्ट नहीं करते। विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी बोल के उन्होंने पुस्तक लिखा था, उसमें एक अध्याय आता है नाटक द्वीप, बहुत सुंदर अध्याय। तो जहां पर भी नाटक होता है तो उधर फ्लड लाइट्स रहते हैं, वो फ्लड लाइट साक्षीभूत है, वो नाटक में क्या चल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई शादी हो रहा है, कोई कुछ भी घटनाएं हो रहे, कई वो फ्लड लाइट्स उसमें गिरते ही नहीं। और अच्छा उदाहरण बताने के लिए पोस्टमैन, पोस्टमैन का काम क्या है? अगर वो समझो हर लेटर में क्या लिखा है, किसको क्या हुआ है, ये सब सोचते बैठेगा तो वो पोस्ट सभी को दे नहीं पाएगा। जो उसका संबंध नहीं है उसमें गिर के वो अपने आप को मानसिक दबाव में आ जाएगा। कितना सुंदर तत्व है और कितना हमको मन को आनंद देता है और हमको मन हमारे मन को शांतता मिलता है।
अगर हम हर कोई भी इवेंट को, हमारा क्या नेचर है, हर इवेंट में हमको रिएक्ट होना है। मैं तो बोलता हूँ यहाँ तक हम साक्षीभूत रहना चाहिए कि हमारे घर में हमारे बीवी बच्चे भी जो कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, हर चीज को आनंद रहने के लिए रिएक्ट नहीं होना चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया हम वापस देना नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं साक्षीभूत रहने का, विटनेस। क्यों विटनेस रहना चाहिए, क्यों रिएक्ट नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर तुझे भगवान चिदंबरा, फिर तुझे भगवान, ये सब खेल भगवान का है, उसके इच्छा से चल रहा है, इसलिए हमको देखना है ना दुख न सुख, साक्षीभूत बनकर रहना है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य चिदंबर है। यही संतों का जो गुण है, पोस्टमैन का काम क्या है, एड्रेस के हिसाब से पत्र पहुंचाना है। अगर वो पत्र के अंदर क्या लिखा है उसमें अगर पोस्टमैन गिरेगा तो उसका जिंदगी पूरा तनाव में रह जाएगा। वो कोई भी रहो, हमारे खुद के एकदम खास रिश्तेदार भी रहो, हमें साक्षीभूत बनकर रहना है। तो ये जो साक्षीभूत बनकर रहने का तत्व बहुत महत्व है। महास्वामी वैसे रहते थे, महास्वामी राजाराम महाराज किसी हर साक्षीभूत बनना, इसका मतलब और एक तत्व निकलता है कि सभी में चिदंबर को देखना, सभी में चिदंबर स्वामी को देखना, मतलब क्या है, सभी में वो आत्मस्वरूप आत्माराम के स्वरूप में है। जब वह आत्माराम स्वरूप में सभी में है तो सर्वाभूति नम्र भाव जब आता है तो उसी में ये साक्षीभूत रहने का गुण समाया है। अगर ये हम अभ्यास करेंगे साक्षीभूत रहने का, बहुत मन को शांतता मिलेगा। हम इसे अभ्यास करके देख सकते हैं जो कुछ भी चल रहा होगा, यहाँ तक कि हम साक्षीभूत रहना है कि हमारे जिंदगी में भी जो चल रहा है वो साक्षीभूत होकर देखना है। क्योंकि हमारा जो लौकिक जिंदगी है ये हमारा देह से संबंधित है। जब मैं कौन हूँ जानता हूँ तो मैं जो भी हूँ मैं साक्षीभूत हूँ, बस। ये बहुत क्या बोलते हैं गाढ़ तत्व है। इसमें हम जैसा अंदर अंदर जाएंगे तो मालूम हो जाता है कि आनंद का जो गुड़िया है, आनंद का जो सीक्रेट है, साक्षीभूत रहने में आनंद है। आज का कथा, एक छोटा सा कथा लिया है आज। हमारा ही दादा का गांव है पुण्य नगरी, पुण्य नगर में एक गंगाधर शास्त्री बोलकर ब्राह्मण है जो चिदंबर महास्वामी के परम भक्त है। वो इतना क्यों मैं साक्षीभूत के बारे में, एक तत्व के बारे में बताया है कि वो साक्षीभूत रहकर चिदंबर का ध्यान करते हैं, किसी से भी कुछ रिएक्शन नहीं है, किसी को बताते भी नहीं है कि वो चिदंबर भक्त है, बाहर से भी नहीं दिखता है, गुप्त साधन करते हैं और स्वामी का कृपा प्राप्त हो जाता है उनके। पहला बंध में राजा राम महाराज कह रहे हैं, रोग व्याधि या जीवासी पाता पातका छी राशि, तुझी सत्ता मात्रे जान क्षणा माझी निर्दरन, करुणी दाविति अनंता होसी जीवासी रक्षिता, चिदंबर कृपा करणे जीव रक्षी दास मणे। मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद इस देह को कई रोग आते हैं। ये रोग का मूल कारण क्या है? हमारे जो कर्म है, जन्म जन्मांतर में जो भी कर्म हम करते हैं उसी का फल है रोग, और कुछ भी नहीं है। स्पष्ट राधाराम महाराज ने कहा, पाता पात का की राशि, हमारे जो भी कर्म हमने किया है उसी का फल है रोग।
देखो एक ही घर में 4 जन रहते हैं, 10 जन रहते हैं, सभी लोग वही खाना खाते हैं, सभी लोग वही पानी पीते हैं, सभी लोग आइसक्रीम मंगवा के रात में खाते हैं, लेकिन 10 लोगों में से एक को ही अगले दिन जो है ना सर्दी हो जाता है। बोलते हैं कल आइसक्रीम खाया इसलिए हुआ, लेकिन 9 जन को क्यों नहीं हुआ। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कई लोगों को तो बड़े बड़े व्याधि भी हो जाते हैं, वो सब कर्म का ही फल है। और उस व्याधि को निर्णाम करने वाला, बोलते मूल से उसको निवारण करने वाला एक ही शक्ति है, वो चिदंबर है। तुझी सत्ता मात्र जान क्षणामादि निर्दम, कैसा क्षण मात्र में स्वामी का कृपा दृष्टि गिरा तो आपका देह काया एकदम तेजोमय हो जाएगा, ऐसा महास्वामी का वर्णन कर रहे। करुणी दावित अनंता होसी जीवासी रक्षिता, चिदम्बर कृपा करने जीव रक्षित आत्मने, ऐसा आप कृपा कीजिए, सभी जीवों को रक्षा कीजिए, ऐसा राजा राम महाराज प्रार्थना कर रहे। तो पुणे नगर में गंगाधर शास्त्री ब्राह्मण थे, बहुत श्रीमंत थे। एक भक्त होता जाना पुणे देशी चाराणार, याचे नाव गंगाधर होता भाविक तो पार, कांता से चौघे पुत्र आई बाप है सर्वत्र दास पने चिदम्बर, एक उने नाही घर, कुछ भी कम नहीं था उधर, बहुत सौकार थे। गंगाधर और उसके पत्नी भागीरथी, 4 पुत्र और उनके माता पिता, ऐसा 8 लोग थे साथ में। तो सभी लोग आनंद से, कोई चीज का कुछ भी कमी नहीं था, इतना उनका धन धान्य संपत्ति था। लेकिन ये गंगाधर बहुत सरल आदमी, असे ब्राह्मण भाविक भागीरथी कामता देख, घरी संपत्ति बहुत भाविका से जोड़े हाथ, स्नान संध्या छोड़िला अंतरी ध्यात से स्वामीला, बाहर दिशे अभाविक अंतरी बहुत भाविक दासपणे चिदंबर, मान नाही जनी थोर, कितना बहुत तत्व भरित इधर अभंग राजा राम महाराज ने इधर लिखा है। इस अभंग के एकदम उल्टा हम लोग चलते हैं। गंगाधर इतना भाविक ब्राह्मण है, भागीरथी उनके धर्म पत्नी है, बहुत संपत्ति है घर में, लेकिन कभी लोगों के सामने संपत्ति के बारे में कोई दिखावा नहीं किया है। जो भी भाविक लोग दिखते हैं सामने आते तो उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, थोड़ा भी अहंकार नहीं है। लेकिन इतना स्वामी के भक्त थे कि स्नान संध्या भी छोड़ दिया उन्हें, स्नान संध्या छोड़ीला अंतरी ध्यात से स्वामीला। ये लाइन जब हम पढ़ते तो हमें महाराज का अभंग याद आता है, कितना हम हर दिन बोलते हो अभंग, हे चिमाझे संध्या स्नान सदा ध्यानी राहे मन, निज रूप ते देखुन हर पली भूकतान, हे चिमाझे संध्या स्नान। इस तरह महाराज ने अभंग में बताया है कि सदा ध्यान ही रहे मना, वो अवस्था में गंगाधर शास्त्री थे। क्योंकि जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जिसे स्वस्वरूप का भास हो जाता है, जिसे आत्म ज्योति का अनुभव हो जाता है, आत्म प्रभे की निज ज्योति ओवाड़ू श्रीपति, तो आत्म ज्योति का जिसे अनुभव होता है उसे अभी कोई रूल अप्लाई होता ही नहीं है, वो अपने ही ध्यान अवस्था में, जैसे अप्पा महाराज थे, उनके लिए कोई स्नान संध्या नहीं है। जो एलकेजी यूकेजी में हमारे जैसे लोग संध्या स्नान पूजा थोड़ा घोड़ा गंध भस्म ये सब 4 लोगों को दिखाना है ना हमको,
दादर कहते थे अंतरी ध्यात से स्वामिला बाहर दिशे अभाविक, अंतरी बहुत अभाविक, लेकिन हम लोग बाहर से बहुत भाविक दिखते और अंदर सबको मालूम है अपना अपना कहानी। बाहर दिशे अभाविक अंतरी बहुत अभाविक, बाहर से बहुत कुछ भी मालूम नहीं होता अरे भक्त है भाविक है, क्योंकि वो केवल स्वामी के बारे में चिंता करते हैं, स्वामी का चिंतन करते हैं, स्वामी का ही उनको स्वामी को खुश करना है। उनका समर्पण भाव कैसा है, चार लोगों में वो बड़ा बनना नहीं चाहते, क्योंकि चार लोगों में भाविक है ऐसा मालूम हो जाएगा तो और उसमें हमें दुख है, दुख हो जाएगा। तुकाराम महाराज कहते हैं जया अंगे मोठापण तया यातना कठिन, तुका मणे बरवे जान वे लहना लहना। ऐसा जो गंगाधर शास्त्री जी का कुछ बाहर कुछ नहीं दिखता था, अंतरंग में निरंतर स्वामी का ध्यान है। दास मणे चिदम्बर मान नाही जनी थोर, लोगों में मान ही नहीं है उनको, ये बड़े भाविक है भक्त है कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से जो भक्ति है वो डायरेक्ट महास्वामी तक पहुंच रही है। लोगों का मान अपमान लेके क्या करना है, वो तो हमें दुख ही देगा। महाराज का अभंग में कहते ऐरावते रत्न थोर त्याग अंकुशा की मारत, महापुरे झाड़े जाती तेते रावड़े वाचती, जयांगी मोठापण तया यातना कठिन, सुकामणे बरवे जान वावे लहना। इधर मूल तत्व क्या है, साक्षीभूत रहना है। जब चार लोगों में कारभार करेंगे तो मोठापन वो सब मिलता है, सभी लोगों में रहकर संसार में रहकर निर्लिप्त रहना है, अलिप्त रहना है, साक्षीभूत बनकर रहना है। इसलिए लोगों में ज्यादा उनको मान नहीं था, ऐसा राजा राम महाराज कह रहे हैं। जना तीजे काय काज अंतरी ध्यात राहिल्यावर, देव भाव पहातो जन द्रव्य पहातो। अगर अंतरंग में भगवान के ऊपर संपूर्ण समर्पण भाव से आनंदमय छंद है स्वामी का, निरंतर हमारे अंदर चिंतन मंथन चल रहा है, तो लोगों का क्या संबंध है। राजाराम महाराज कहते हैं कि भूख भी नहीं लगता है, भूख प्यास भी नहीं लगता है, जो सच्चा स्वामी के ध्यान में मग्न रहता है उसे भूख नहीं है प्यास नहीं, हर पली भूखता आना। लेकिन हम लोग जब भजन करते तो हमको एक अच्छा सा तगड़ा नाश्ता चाहिए भजन के बाद, क्योंकि वो दिखावे का भजन रहता है। हमारे सब लोग अच्छे हैं, मैं दूसरा गांव वालों का बोल रहा हूँ, हमारा टीम एकदम बहुत अच्छा है, तो किसी को गुस्सा आ जाएगा बार बार गुरुजी हम लोग बोलते हैं। तो भगवान क्या देखते हैं, भाव देखते हैं। राजाराम महाराज कहते हैं देव भाव पहातो जन द्रव्य पहातो, देव मागे अभय देतो जन पुढ़े अभय देतो, देव पुढ़े कष्ट देतो जन मागे कष्ट देतो, दासमणे चिदम्बर त्यागी देवावरी भार। राजाराम महाराज का एक भी अभंग हम चिंतन करेंगे ना, हमारा जीवन मुक्ति के लिए बहुत है। हम तो हजारों अभंग लिखते हैं, हमें सब चाहिए, साहित्य चाहिए, साहित्य जमा करते करते जिंदगी निकल जाएगा, लेकिन जो अभंग का अर्थ है परमार्थ है, उस मार्ग में चलना बहुत महत्व है। अगर हमारा जो भी समय हमने अध्यात्म के लिए रखा है, समझो दिन में चार घंटा भी हम रखा है, तो एक घंटा अभंग लिखना पढ़ना कीजिए और तीन घंटा वो अभंग का अर्थ क्या है नामस्मरण करना है, तो तीन घंटा नाम साधन साक्षीभूत रहना है, मन को विचारों से मुक्त करना है, ध्यान करना है, तीन घंटा जो हम रखते जो भी है, अगर हम 1 आवर रखते तो 15 मिनट पढ़ना है,
घंटा जो रिपोर्ट समय है ये कोई ऐसा शास्त्र में नहीं कहा गया है, लेकिन एक अंदाज से मैं बता रहा हूँ। उस रिपोर्ट समय में हम लोग क्या करना चाहिए, सदा ध्यान ही रहे मना। वो तीन घंटों के लिए सब कुछ भूल के चिदंबर का चिंतन करना, ध्यान करना, मन को विचार रहित करना, साक्षीभूत बनकर रहना। घर में ही कितने झगड़े होते हैं, कितने लोग कुछ बोलते हैं, क्या होते हैं, लेकिन साक्षीभूत रह के चिदंबर तेरा एक खेल है ऐसा समझकर अगर हम आनंद लेंगे तो फिर हमारा मन को कोई डगमगा नहीं सकता, हमारा शांतता को कोई छू नहीं सकता। वो जब कभी आएगा इधर अगर हमारा रक्त में वही तरह रहेंगे, दास मने चिदंबर ज्ञाति देव भार, सब कुछ भगवान के ऊपर भार है। क्यों माने, क्योंकि देव ही सब कुछ है, देव ही सब कुछ कर रहा है, उसी का खेल है। हम जो सोचते वो कभी होता नहीं है, स्पष्ट बताया। लोग तो हमको सामने बहुत हमारा प्रशंसा करते, पीछे बहुत कुछ बोलते, हमारे सामने इतना प्रशंसा करते, प्रशंसा नहीं भी करेंगे तो चुप रहते, लेकिन पीछे बहुत बोलते। लेकिन भगवान कहते हैं पीछे से कभी भी आपको सपोर्ट करते लेकिन सामने से कष्ट देते। यही मनुष्य और भगवान में भेद है। देव मागे अभय दे तो, देव भाव पा दो, जन द्रव्य पा दो। लोग तो द्रव्य देखेंगे, उनका स्टेटस देखेंगे, समाज में क्या स्टेटस है, उनका पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितना उनका समाज में चलता है, लेकिन उससे कुछ फायदा है क्या? बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी रहेंगे, बड़े चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी रहेंगे, कोई हमारे साथ नहीं आ सकता है भगवत प्राप्ति के। ये जो हमारा प्रवास है, अकेले चलना है, अकेले आए तो अकेले जाना है, कोई हमारे साथ नहीं स्पिरिचुअल जर्नी में। इसलिए इधर महाराज बता रहे कि लोगों का खुशी में मत पड़ो, साक्षीभूत बनकर रहो, रिएक्शन मत दो। रिएक्शन देना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा जीवन में। रॉबर्ट एडम्स का जो साइलेंस के ऊपर उन्होंने कितने आर्टिकल्स लिखा है, साइलेंस में ये भी एक बहुत महत्व का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साक्षीभूत रहना। अगर आप बाहर से देह से रिएक्ट नहीं करते और मन ही मन में रिएक्ट कर रहे हो, फिर भी वो साइलेंस में नहीं आता है, वो साक्षीभूत में नहीं आता है। अगर घर में कुछ हो गया और मैं मन में बोल रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मन में बोल अच्छा हुआ उसने वो जब ये ऐसा किया था इसलिए आज देखो उसका ऐसा हो गया, ये भी क्या है, रिएक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं। इसलिए इधर क्या बता रहे कि भगवान हमें सामने से कष्ट देते हैं लेकिन पीछे से कभी भी हमारे हमारा हाथ छोड़ते नहीं। लेकिन जन कैसे है, सब जब तक उनका काम है तब तक हमें जय जय कहते रहते। गणगोत आप तो होती, दादाराम महाराज कह रहे हैं, गणगोत आप तो होती सर्व सुखा से संगति, अंति कोणी काम नहीं है, होका जरी बाप माए। सभी लोग कोई भी रहने दो, जितना भी हमारा गुरु बंधु कोई भी रहने दो, सब लोग एक समय तक हमारा साथ दे सकते, लेकिन अंत्य काल में कोई हमारा साथ नहीं आएगा, हमारा साथ केवल हमारा चिदंबर नाम ही आएगा। धनानी भूमौ पशुवश्य गोष्ठे भार्या गृहस्थ बंधु स्मशाने देहचितायाम परलोक वासा धर्मानुभव गच्छति जीव एका। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि भार्या है ना घर के दहलीज तक आ सकती है, उम्बरटा तक आ सकती है, बंधु लोग स्मशान तक आ सकते हैं, और स्मशान तक घर से स्मशान तक चलते हैं ना वो लोग, आपके बारे में कोई नहीं सोचता, सब लोग यही सोचते कि अभी स्मशान का काम होने के बाद मुझे मीटिंग में जाना है, मेरा वो प्लान है, मेरा उधर जाना है, वही बात करते करते जाते रस्ते में चाय का दुकान है तो चाय पी लेते, कोई भी उधर आपके बारे में नहीं सोच रहे।
यावत भवनो निवसति देहे तावत गुच्छति कुशलम गेहे। जब तक हमारा ब्रीदिंग चल रहा है तब तक सभी लोग हमारा कुशल मंगल वार्ता पूछ रहे, लेकिन जब ब्रीदिंग बंद हो गया भार्याम भिभ्यति तस्मिन काये, आपका जो अर्धांगी बुलकर आई है जीवन में वो आपका देह देखकर आपका शव देखकर वो डर जाती है। भार्याम भिभ्यति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ऐसा ये तत्व है राजा राम महाराज इसमें बता रहे कि हमारे साथ देने वाले एक ही एक है, वो चिदंबर है, वो हर हालत में हमारे साथ देते हैं। पूरा जिंदगी भर पाप कर्म करने के बाद अंत काल में स्वामी आपके सिवाय मेरे लिए कोई नहीं है तो वो बोलते ठीक है आ जाओ अंदर। जिंदगी भर आप कोई मनुष्य का सेवा करो तो आखिरी समय में कुछ गलती हो गए तो बोलता है तू यूजलेस है निकल जाएगा। यही मनुष्य और भगवान में फर्क है। जन पूरे अभय दे तो लोग तो सामने बोलते मैं हूं ना चिंता मत करो वो है, लेकिन जब भी आप फोन करोगे अरे मैं मीटिंग में हूं बाद में मिलता हूं। देव पूरे कष्ट दे तो जन्म आगे कष्ट दे तो दासमणे चिदम्बर त्यागी देवावरी भार। ये बहुत महत्व का अभंग है गंगाधर जी, गंगाधर शास्त्री परिपूर्णतः चिदम्बर के ऊपर भार डाला है, इतना सब उनके पास है, समाज में है, मान है, वो है, सब है, आस्ति है, संपत्ति है, क्या फायदा। कितने बड़े बड़े लोग भी आपके कॉन्टेक्ट में रहे तो आपका जो मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य में वो कोई सहाय नहीं कर। महाराज का एक अभंग नाम पर अभंग में बताते हैं, राजा वश केले तरी प्रजा वंदिति, ऐसे ना माने सर्व विघ्न वंदिति, विघ्न वंदिति नाम वीण मंत्र तंत्र नाही समझा, मंत्रा चाहे राजा चिदंबर चिदंबर। ये राजा मिनिस्टर सीए वो आईजी डीजी कोई कुछ भी काम का नहीं है, नाम के सामने तो सारे विघ्न भी जो है ना भस्म हो जाते हैं। एक नामा पूरे कोटि विघ्न पड़ती मानवाचा किसी पाड़ते थे, चिदम्बर ही राया तुझे नामे करुणी, विघ्न से दारुण भस्म होती। मंत्र राज बोला है राजा राम महाराज ने, मंत्राचा है राजा। स्कंद पुराण में व्यास महर्षि ने श्लोक में बताया है कि सर्वोत्तम महामंत्र शिवपूर्व चिदम्बरा मंत्र राज ही शिक्षा था, ऐसा चिदम्बर नाम को परिपूर्णतः विश्वास करके निरंतर चिदम्बर ध्यान में लगे हैं हमारे पुणे नगर के गंगाधर जी। स्वामी स नाहीच देखिला ऐकुनी रूप ओळखिला, त्याचे रूप ऐकोनी तैसे ध्याता से मनी। वाह देखिए हमारे जैसे स्वामी को बाबड़ गांव में नहीं देखा है, मुरगोड़ गए नहीं है, हम सब कुछ देखने के बाद भी हमको अभी भी स्वामी से परिपूर्ण विश्वास है या नहीं वो स्वामी जानते हम जानते, लेकिन ये गंगाधर जो पुणे में थे खाली लोगों के मुंह से करोड़ों प्रकरण जो उनको मालूम था, स्वामी ऐसे शुभ्र धोत्र पहनते हैं, सर के ऊपर पेशवा पगड़ी है, विभूति धारण है, ऐसा लोग ने जो बताया उसी को सुन के वही रूप को ध्यान में लग गए पूरा। चाचे रूप आइकोनी तैसे ध्यात असे मनी, सदा एकांती जाओ न ध्यात वैसे स्वामी सजान, बाहर दिसे स्वपच देख अंतरी पवित्र होते देख, दासमणि चिदंबर अंतर ओळखे विश्वंबर। बाहर से कुछ भी नहीं है देखने में, कोई उसमें ये ऐसा पवित्रता वो ये थोड़ा तिलक शिखा ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वामी को जिस रूप में लोगों ने बताया था वही रूप को परिपूर्णता अंतकरण में बिठा दिया है। हृदय कमल है कि सिंहासन, हृदय में बिठाकर सदा एकांती जाओ न, एकांत बहुत महत्व है। एकांत का भी शब्द बहुत
इंडेक्स है। मन से एकांत रहना चाहिए, भीड़ में भी आप खड़े रहेंगे तो भी एकांत आप पालन कर सकते हैं, लेकिन अकेले फॉरेस्ट में आप जाके बैठे हैं और उधर ट्रैफिक जाम आप देख सकते हैं बैठे बैठे, ये एकांत है। इसलिए साक्षीभूत रहना भी एक एकांत का एक गुण है। इसलिए मैंने साक्षीभूत क्यों, नो रिएक्शन, सिंपल एक तत्व है, किसी को रिएक्ट ही मत हो जाइए। क्यों रिएक्ट नहीं होना, अज्ञान से रिएक्ट नहीं होना, नहीं ज्ञान से रिएक्ट नहीं होना, क्योंकि चिदंबर सर्वस्व है, मुझे चिदंबर के सिवाय और कोई नहीं चाहिए, इसलिए नहीं रिएक्ट होना। लेकिन कर्तव्य भाव से संसार करना है। अरे रिएक्ट नहीं होना, नहीं होना बोल तो कल बोलेंगे लाइट बिला है, कोई भरने वाला नहीं है, अरे मैं रिएक्ट नहीं होऊंगा तो लाइन कट हो जाएगा, ऐसा नहीं। किसी के झगड़े में या किसी के बारे में अपने अंतकरण से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतकरण को चिदंबर को समर्पण करना चाहिए। ऐसा इधर राजा राम महाराज बता रहे थे, अंतरंग में पवित्रता रहने के लिए भी साक्षीभूत रहना चाहिए। सिंपल अगर हम लॉजिक लगाएंगे, आप जितना लोगों से रिएक्ट हो जाओगे उतना ही उन्हीं के बारे में चिंता आपके अंतकरण में चालू हो जाएगा, और आपके थॉट्स का जो ट्रैफिक है मन में वो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इतना लोगों के बारे में, अरे उसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, उसने जब मैं उसके घर गया था तो उसने मुझे एक लोटा पानी भी नहीं दिया, जब वो आया था तो मैंने उसको पंचभक्ष परमान का भोजन दिया था। ये सब क्या है, मन के थॉट्स को बढ़ाने वाले है रिएक्शन में। तो साक्षीभूत रहने से क्या हो जाता है, आपका मन थॉटलेस हो जाता है, विचार रहित हो जाता है, होने के लिए एक अच्छा सा एक तत्व है। हमको टाइम मिला है 24 घंटा तो लोगों से ऐसे ही बात करने का, कोई भी टॉपिक पे हमको जो उससे मिलने का नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, फालतू भगवान ने हमें जीव दिया है इसलिए बात चालू ही रहता है, कोई भी जिस पॉलिटिक्स के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। अरे कौन क्या हमको करने वाला है, मोक्ष के लिए कौन हमें सहाय करने वाला है, कोई नहीं करेगा। चिदंबर का ध्यान हमको ही करना है। अगर हमारा पेट दर्द है तो कोई और दवाई लेगा तो हमारा पेट का दर्द कम हो सकता है क्या? इसलिए 24 तास गंगाधर जी ध्यान में लगे हुए और अंतरंग को पवित्र रखा है। दासमणे चिदंबर अंतर ओढ़े विश्वंबर, भगवान को जो है ना ये देह भाव नहीं चाहिए, विदेह स्थिति नाम स्मरण चाहिए। सूक्ष्म देह को जागृत जो करेगा, देखो सूक्ष्म देह को जागृत करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम नोट कर लेना चाहिए, हमें साक्षीभूत रहना है। किसी ने भी बोला कि अरे वो उधर तो वो महाराज ऐसा किया है, साक्षीभूत रहने ऐसा क्या, अच्छा जी बस। किसी ने बोला अरे उन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला है, अच्छा ऐसा है क्या, बहुत आनंद है, चलो अच्छा बात है, हमें इतना सब उन्होंने हमारे बारे में नेगेटिव बोला है तो आनंद है, ऐसा ही रहना चाहिए। तो ये जो रिएक्ट नहीं करने का स्वभाव है ना, कई चीजों में हमको हेल्प हो जाएगा अध्यात्म के इसमें। इसलिए राजा राम महाराज इधर क्या बोल रहे, जो अंतरंग को शुद्ध रखता है, जो अंतरंग को लौकिक विचारों से मुक्त रखता है, वही भगवान देखते हैं, भगवान अंतरंग को देखते हैं। चिदंबर महास्वामी के लीलाओं में कई कथाएं आते हैं, विधवा इंदु जी कथा, प्रेमाबाई की कथा, रत्नाबाई कथा, दुर्गाबाई, मोतीलाल, ये सब लोगों ने क्या किया है, साक्षीभूत बनाए, साक्षीभूत बनकर चिदंबर के ऊपर संपूर्ण अपना ध्यान लगाया है। ऐसे अस्ता गंगाधर त्यासी दावी चमत्कार, क्षय रोग त्यासी धाला, रोज वाड़ सहो गेला। देखिए जो चिदंबर को अंतरंग से ध्यान कर रहा है उसे क्षय रोग हो गया है, ये तो लौकिक दृष्टि से क्षय रोग हुआ है, लेकिन राजा राम महाराज क्या कह रहे हैं इधर, राजा राम महाराज का देखने का जो दृष्टिकोण है, उन्होंने क्या लिखा है पहले लाइन में, ऐसे असता गंगाधर त्यासी दावी चमत्कार।
हम लोग क्या बोलते थे, अरे कितना देव देव किया, देखो अंत में क्षय रोग हो गया, फालतू में टाइम वेस्ट किया, जिंदगी एंजॉय करना चाहिए था, अच्छा सा खाना पीना करने का था, वो करने का था, गुलाब जामुन खाने का था, मस्तानी खाने का था, ये सब क्यों उसने व्यर्थ किया है जिंदगी, हम बोलते थे। लेकिन राजा राम महाराज क्या कह रहे, स्वामी ने चमत्कार किया, क्योंकि गंगाधर जैसे भक्त को क्षय रोग आया है तो इसमें कोई स्वामी का खेल है, ये आप देखने का दृष्टिकोण है। क्षय रोग त्यासी धाला रोज वाड़त हो गेला, बहुत धाला से क्षीण मणे न वाचे हो जाना, भागीरथी चिंता करीती वैद्याणा वे घरासी दास मणे चिदम्बर औषध देती वर्चे वर। क्षय रोग आ गया, दिन ब दिन क्षय रोग बढ़ते गया, देह बहुत क्षीण हो गया, कोई बचने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। वैद्य लोग भी बोल दिया है कि अभी बचने का कोई चांस है ही नहीं है। मणे न वाचे हो जान, तो भागीरथी को बहुत चिंता हो गया, वैद्य को बुलाया, राज वैद्य को बुलाया, सभी को बुलाया, लेकिन सभी लोग मणे न वाचे हा खरा, राज वैद्यासी आणिले बहुत शोधुनी पाहिले, रोग व्यापिले से फार औषध न चाले आसे वर, 7 दिवसाचे आत राहणे न होय पृथ्वीत दास म्हणे चिदंबर, वैद्य सांगतो प्रखर। बहुत औषध उपचार हो गया, राज वैद्य भी आ गए, लेकिन जैसा जैसा उपचार चल रहा था वैसा वैसा रोग बढ़ते गया। देखो ये तो चिदंबर का ही खेल है, अगर साइंस सचमुच है, औषध से कम होना है तो कम होना चाहिए था, लेकिन सभी राज वैद्य सभी लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिया, बोल दिया कि आज से 7 दिनों में इनका मृत्यु हो जाएगा, ये पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, औषध का कोई इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, औषध न चाले आते वक्त। इस समय में गंगाधर जी ने क्या वैद्य को बताया कि इनका गंगाधर जी का दृढ़ भाव, विश्वास, दृढ़ निश्चय, भक्ति, ये सब इधर जो है ना दिखता है। गंगाधर मणे वैद्यासी चिदंबर औषध मजसी, तो गंगाधर जी बोल दिए कि मेरे पास चिदंबर का औषध है। दास मणे ब्रह्मलिखित पुसोनी टाक तो क्षणार्थ, ब्रह्मलिखित को क्षणार्थ में उसको मिटाने वाला एक शक्ति है, वो चिदंबर शक्ति मेरे पास है, आप सब लोगों का उपाय हो गया ना, अभी आप अपना औषध सब बंद करो, सारे टैबलेट्स को निकाल के बाहर फेंक दो, सब औषध निकाल लो, सब बंद करो, अभी जो 7 दिवस का आपने मोहलत दिया है, मैं चिदंबर का क्या शक्ति है मैं बताऊंगा। ऐसा गंगाधर जी ने लोगों के ऊपर चैलेंज डाल दिया, ये है भक्ति का जो निदर्शन। संपले तुमचे उपाय वाचलो तरी देसी काय, क्षय बहुत कठिन कैसे वाचेल तू जाना, रोग नीट थाले कर तुझा आग्ने का किन कर। तो गंगाधर जी ने चिदंबर नाम के बारे में बताया, तो वैद्य बता रहे कि अभी बहुत कठिन है, तू बचेगा नहीं, अगर तू बच गया तेरे चिदंबर की कृपा से तो तू जो बोलेगा वो हम करने के लिए तैयार है, था उनका वैद्य ने बताया। रोग नीट थाले कर तुझा आग्ने का किन कर, मैं तेरा किंकर बन जाऊंगा, मेरा वैद्य की वृत्ति में छोड़ दूंगा। इसके पैंज बांधिले तेथुनी निगुनिया गेले, संपले सर्वाचे उपाय मणे कांते लागी पाहे, काय करू मन तसे
वडील माता रडतसे नंतर उठोनी सत्वर भोळे भावानी सत्वर आपुल्या बागेमध्ये गेले मोठे तुळसी पान आणले दास म्हणे चिदंबर गंधाने लिहिले चिदंबर घर में माता पिता भागीरथी सभी लोगों को दुख होने लगा सभी लोग बहुत चिंतित हो गए और बोल रहे कि क्या करना चाहिए काय करूं मन तसे अभी क्या उपाय बचा है संपले सर्वांशे उपाय गंगाधर को थोड़ा भी मन में दुख नहीं है यही चिदंबर के ऊपर का विश्वास है देखो मरण तो निश्चित है कभी मरण के बारे में डरना नहीं है लेकिन चिदंबर आज हमको ऐसा रक्षण करेगा उसका शक्ति क्या है वो दिखाने के लिए सत्वर वो उठ गए गंगाधर जी जो बेड पे वो सो गए थे सत्वर उठ के क्या किया उन्होंने बाहर उनके आंगन में जो तुलसी का झाड़ था उस झाड़ के बड़े बड़े तुलसी के पत्ते लिए और गंध से उस पत्तों के ऊपर चिदंबर चिदंबर ऐसा चतुराक्षर लिखा और वो पत्तों को औषध रूप में वो स्वीकार करने लगे तुलसी पान भक्षुनी अंतरी चिदंबर ध्यानी 20 दिवस संपदे रोग त्याग के सर्व गेले जो 7 दिन का इन्होंने अवधि दिया था वैद्य लोगों ने लेकिन जो चिदंबर चतुराक्षर नाम का जो औषध है तुलसी पत्र के ऊपर लिखकर और उसी के साथ चिदंबर के ऊपर ध्यान चिदंबर का नामस्मरण किया तो 20 दिन तक गंगाधर जी को कुछ नहीं हुआ 20 दिन के अंदर क्षय रोग संपूर्ण निवारण हो गया राजा महाराज कह रहे हैं कि भोले भाविक भक्ति सी स्वामी कृपा हरने की देखो भोले भाविक भक्त प्राण के ऊपर उनका खबर ही नहीं संपूर्ण समर्पण भाव मीराबाई का जो भक्ति था धाया छाड़ा बंदा छाड़ा छाड़ा सगाया साधु संग बैठ बैठ लोक लाज छोड़ा मारा रे गिरिधर गोपाल दूसरा न खोया साड़ा जगत लोक जोया बोलते पूरा दुनिया मैंने ढूंढा है भाई बंधु सभी लोग को छोड़ दिया साधु संतों के बीच में मैं एक औरत बैठकर समाज का भी मैंने जो इज्जत रहता है वो भी छोड़ दिया क्योंकि मेरे लिए भगवान कृष्ण श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है राणा विषरो प्याला भेजा वो विषय अमृत हो गया ऐसा एक अवस्था में गंगाधर जी संपूर्ण स्वामी के ऊपर हम लोग का ऐसा हुआ तो क्या हम लोग बोलते हैं चलो हम ऐसा करेंगे नमस्कार भी करेंगे टैबलेट भी चालू रखेंगे ऐसा हमारा लौकिक विचार ऐसा रहता है हमें इतना धैर्य नहीं है तो ऐसा घोड़ा भक्ति सब औषध बाहर फेंक दिया वैद्यों को चैलेंज दे दिया और 20 दिन में रोग पूरा चले गया और राजाराम महाराज इधर क्यों बता रहे क्या इससे भोले भावित जो संपूर्ण अपना प्राण को भी समर्पण कर सकते उनके लिए भगवान आता है भक्ति का अंत पहुनिया धाव तो आनंद नाच तो जवली धरो देवा योग क्षेम भक्तांसा करी तो भेटी सदा दे तो चिदंबर भक्त वत्सल भगवान चिदंबर भोले भाविक भक्ति सी स्वामी कृपा हरनिशी शास्त्र पंडित भक्ति सी मनुष्य कृपा हरनिशी दासमणि चिदंबर भोले भक्ति सी तत्पर शास्त्री ज्ञानी पंडित ये सब लोगों के लिए मनुष्य कृपा रहता है अरे वो तो बहुत बड़े शास्त्री है उनको पालकी में लेके आओ ये करो वो करो इन स्वामी भक्ति का भूखेला मनोनी मृत्यु लोग किया था भक्त वत्सल है वो भक्त कैवारी है भक्ति का दाह है उसे
हमारी शंकराचार्य ने बताया कि सभी साधन जो है मोक्ष के लिए उसमें भक्ति सबसे बड़ा है। मोक्ष साधन सामग्राम भक्ति रेव गरियती, इसलिए महाराज ने भजगोविंदम लिखा है, भजगोविंदम भजगोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रहे। व्याकरण आपको रक्षण नहीं करेगा, शास्त्र रक्षण नहीं करेगा, ज्ञान रक्षण नहीं करेगा। पिठाबाई ने लिखा है कि नाम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो जाए। कीर्तन को किलो यात्रा न को करो, सदा एकांत रहो, नाम बीन सर्व व्यर्थ जान, नाम परता मंत्र नाही। ऐसा कृपा भगवान का किसके ऊपर रहता है? थोड़े भावित भक्ति, जो ज्यादा एनालिसिस में गिरते नहीं है, जहां पर मन और बुद्धि शून्य हो जाता है वहां पर ही भोले भावित भक्ति प्रारंभ होता है। जहां पर मन और बुद्धि बहुत एक्टिव रहता है, जहां पर बुद्धि का उपयोग करते हैं, जहां पर हमारा एनालिटिकल एबिलिटी का वापर होता है, जहां पर हमारा क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग वो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट MBA सब चीजों को हम भक्ति में लेके आते हैं, तो वहां पर भगवान उधर उसके तरफ देखते भी नहीं। जहां पर मन शांत हो जाता है, मन विचार रहित हो जाता है, मन खुद आत्मस्वरूप बन जाता है, वहां पर मन रहता ही नहीं। सचमुच में तो मन है ही नहीं, मन सत्य ही नहीं है। मन क्या है? रमण महर्षि कहते हैं कि माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट्स, तो माइंड है ही नहीं, ओनली थॉट बंडल के थॉट्स का एक बंडल है। लेकिन जब वो बंडल ऑफ थॉट्स खत्म हो जाते हैं तो मन ही आत्म का रूप ले लेता है। इसलिए महाराज इधर कह रहे हैं कि भोले भक्ति की तत्पर है। तो भोला भक्ति कभी आएगा? जब तक हम साक्षीभूत बनकर मन को शांत करके आत्मचिंतन में रहते हैं, तभी मैं जब अहंकार जब तक नहीं जाता है, तब तक हमारा इंटेलिजेंस हो, एनालिटिकल जो भी है, हम जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जो भी है, वो सब लौकिक विद्या को बाजू रखना चाहिए। काया सदृढ़ झाला वैद्य गड़बड़ो निहाला, कैसे झाला चमत्कार तुमचे शिष्य परंपरा, गंगा धर्मणे वैद्यासी चिदंबर मात्रा मजती, विषयी पथ्य छोड़ी लो नाम मात्रा धरी लो, दात्मणे चिदंबर गुण जालो सत्वर। इतना सुंदर अभंग है, कितना एक ही अभंग, एक एक अभंग को ही हम हमारा जीवन का इंस्पिरेशन या स्फूर्ति का जो मूल समझ कर उस वो अभंग का जो तत्व है उसी को अगर हम पकड़ेंगे तो हम हमारा भवसागर पार कर सकते हैं। चिदंबर मात्रा सर्वालागी नाम मात्रा द्यावे भरूनी यात्रा, सुखी वावे सर्वजन भवरो गतो जाऊन, प्रेम रस पादी जना चिदंबरा नारायणा, वाह वाह आनंद सर्वासीदा मनीच्छा। ऐसी यही अभंग का तात्पर्य इस अभंग में राजा राम महाराज जी ने बताया है। काया सदृढ़ गालो, तो वैद्य भागते हुए आया, बोला कि मैं आपका किंकर बन रहा हूँ, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है आपका कुष्ठ रोग में कोई उधर उपाय ही नहीं था, आपका मृत्यु निश्चित था, लेकिन इस मृत्यु से आप बाहर आए तो इसमें कोई दैवी शक्ति है, तो क्या है वो बताइए। तो गंगाधर जी बता रहे, चिदम्बर मात्रा मजसी, मात्रा बोल तो टैबलेट, सर्वालागी नाम मात्रा, चिदम्बर मात्रा मजसी, विषयी पथ्य तोड़ी लो, विषयी पथ्य तो किसी से भी संबंध नहीं है, मन को विषय बोले तो मन, मन बोले तो विषय, मन और बुद्धि, मन बुद्धि और चित्त ये है ना, इसी से अहंकार है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो कुछ भी हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय को दिखता है, व्यक्त होता है, वो माया है। जो अव्यक्त है वो माया नहीं है, और अव्यक्त को देखने के लिए आत्मा से ही आत्मा को देख सकते हैं। उस आत्मा को जागृत करने के लिए ये सब इंद्रियों को शांत करना जरूरी है, इसीलिए हम साक्षीभूत बनकर रहना है। जैसे हम रिएक्ट करेंगे तो फिर इंद्रिय एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए इधर क्या बता रहे हैं महाराज,
चिदंबर मात्रा मजसी विषय पथ्य छोड़ी लो। विषय पथ्य छोड़ना बोले तो क्या है, मन को शांत करना। नाम मात्रा धरी लो दास मने चिदंबर गुण जा लो सत्वज आय कथा हो वैद्य करी साष्टांग नमन लोक आश्चर्य करीती मणती अघटित कृत्य गंगाधर वैद्य दोगे स्वामी भेटी लागी निगे मने चिदंबर दास प्रतीति आले गंगाधरास। जैसे ही वैद्य आ गए तो ये चमत्कार देख के वो लोग बोलते तो अघटित घटना हो गया है, हम लोग चिदंबर के दर्शन के लिए जाएंगे अभी, क्योंकि गंगाधर जी ने अपने जिंदगी में स्वामी को देखा नहीं था और थोड़ा 10 मिनट लगेगा, कंटिन्यू करूंगा मैं। हाँ नो प्रॉब्लम गुरु जी, बहुत रसीला चल रहा है, चलने दीजिए। जय चिदंबर। जैसा ही वैद्य और गंगाधर जी पुणे से निकल रहे, स्वामी होते नवलगुंद के किला में थे स्वामी, नवलगुंद किला माजी स्वामी होते आले दोगे देते भेटी लागी। स्वामी हो बोलती विप्राती देखो न आले देखो न काम को न दूरुनी हो आला श्रम पार केला मनोनिया बोले चिदंबर दास मने आईको ने उत्तर मनती आधटी तक कृपा स्वामी तुमसे कितना महान स्वामी करुणामय कितना दयामय। जैसे ही स्वामी को मालूम हुआ पुणे से ये लोग आए बहुत दूर से आए, विश्रांति लीजिए भोजन कीजिए, कितना मधुर भाषा में स्वामी उस गंगाधर जी को और वैद्य को स्वागत कर रहे हैं, पूछ रहे कहाँ से आए, बहुत श्रम लिया है आपने, कितना भक्तों के ऊपर अंतकरण स्वामी का, काय बोलू तुझसी अंतरी जानसी मनोनिया जनी सांगता थी। गंगाधर जी सभी के सभा में बोल रहे, गंगाधर जी खड़ा होकर आपको तो सब मालूम है स्वामी, लेकिन लोगों को आपका जो निज अस्तित्व है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सभा में सभी के सामने गंगाधर जी खड़े होकर बता रहे कि चिदंबर कौन है, आप लोग इधर बैठे ये गरीब ब्राह्मण का जो ड्रामा कर रहा है नाटक कर रहा है, गरीब सोंग धरुणी आला विठ्ठल हो तो क्या, ये विठ्ठल है पांडुरंग है, पूर्ण ब्रह्म स्वामी असे चिदंबर धन्य तुमचे पूर्व जन्म जान धन्य तुमचे जन्म धन्य तुमचे कर्म मनोनिया वर्म बोलतो मी दासपणे ऐसे ऐकोनिया जान चरणी अर्पिले देह मनत से। सभा में सभी के सामने पर ब्रह्म परिपूर्ण है ये चिदंबर, आप सभी लोग जो आंखों से दर्शन ले रहे हो अहर ऋषि, कितना बड़ा आपका पुण्य है, कितना आपका पुण्यतम जन्म है, इस गांव में आप है, इसका आपका कर्म कितना पुण्यवान है, धन्य तुमचे जन्म धन्य तुमचे कर्म मनो नियावर्म बोलतो भी दास मणे ऐसे ऐकुनिया जान चरणी अर्पिले देह मणक से। ये सब सभा में बोलकर गंगाधर जी स्वामी के चरणों पर गिर गए, लोटांगन डाल रहे लोड़न। स्वामी चरणावली देह ओवाड़िलो चरण दुतलो प्रेमा सुने स्वामी मनती त्यासी भक्ति तुझी थोरी मनुनी आहरी पावे तुझ। तो कितना स्वामी, कितना भी लोग अगर वर्णन करने तो बोलते कि मैं तो साधारण गरीब ब्राह्मण हूँ, तेरा भक्ति को देखकर श्रीहरि महादेव कैलाशनाथ सभी लोगों ने आपको कृपा किया है, मनोनिया हरि पावे तुझे, इसलिए हरि ने तुझे पावे बल तो रक्षण किया है। दास मने मी तो गरीब ब्राह्मण का इच्छा जान मांगे थे, कितना महास्वामी कभी कभी उन्होंने हमारा खुद अनंत कोटि का ब्रह्मांड नायक सोडुनिया अभिमान चिदंबर, हम जिस भगवान का नाम लेते हैं, जिस भगवान के पूजा करते हैं, जिस भगवान का साधना करते हैं, उसका गुण कैसा है और हम कैसे हैं, अहंकार का एक तिल भर भी उनके अंदर कुछ मैं भगवान हूँ नहीं बताया, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ। चिदंबर स्वामी ने जो बताया दास मने झालो गरीब ब्राह्मण, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, जो स्वामी ने एक लाइन बोला है उस लाइन से हमको बहुत 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 कुछ सीखना है। जब मेरा यजमान मेरा मालिक ही बोलता है कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ तो मैं कैसा रहना चाहिए, ये हमको सोचना पड़ेगा। इच्छे स्वामी देई चरणी लक्ष्य के भी विसरु नहीं पाए नाम तुझे मनुनिया चरणी मस्तक ठेविला भय दान चले स्वामी जी हो वैद्य गंगाधर मिलोनिया जाना आलिया आपुल्या पुण्या स्थला माजी। तो गंगाधर जी और वैद्य स्वामी के चरणों के ऊपर अपना मस्तक रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कभी भी तेरा चरण और नाम
करना चाहिए। इतने स्वामी दे चरणी लक्ष्य सदा तेरा चरण और स्मरण, कभी भी हमसे विस्मरण नहीं होना चाहिए स्वामी। ऐसा हमें अभयदान दीजिए, आशीर्वाद कीजिए। और कुछ नहीं पूछा गंगाधर जी ने, उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे और एक इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, सेकंड और एक कार चाहिए, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। बोला चरण और स्मरण दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मनुनिया चरणी मस्तक ठेविला अभयदान दिले स्वामी ने। स्वामी ने तथास्तु बोला और वैद्य और गंगाधर दोनों मिलके उधर से स्वामी का निरूप लेकर पुनः आ गए। आल्या पुल्या पुण्य स्थला माजी योनिया दोगे भजन आरंभिले। आंखों के सामने चमत्कार हुआ है, वैद्य को भी अनुभव हुआ है, गंगाधर जी को तो प्रत्यक्ष वो अनुभव के पात्र थे। इसलिए उन्होंने क्या निर्णय लिया, अभी सब कुछ बंद, कोई व्यवहार नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवोनिया दोगे भजन आरंभ मिले, सोडोनिया जितने सर्व कार्य दास मणे ऐसे अघटित करा दावित से ढोड़ा चिदम्बर। जो आत्म सुख जो मिल जाता है, जो निजानंद मिलता है, देखिए आत्म ज्योति का जिसको अनुभव होता है, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड उसका दास हो जाता है। वो आत्म ज्योति का अनुभवित जो संत रहता है, वो खाली इच्छा मात्र से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, पूरा दुनिया उसके पीछे लग जाती है। लेकिन मनुष्य अपने ही लिमिटेड कैपेसिटी से जो प्रयत्न करके कितना जमा कर सकता है। तो इसलिए जो अनुभव गंगाधर जी को मिला था, उन्होंने सब व्यवहार सब कुछ छोड़ दिया और निरंतर वैद्य भी अपना पूरा जो जैसा उन्होंने वचन दिया था गंगाधर जी को, मैं वैद्य की ही छोड़ दूंगा। तो दोनों मिलकर भजन प्रारंभ किया पुणे में। सोडोनिया जितने सर्व कार्य दास मणे ऐसे अघटित करा दावित से ढोड़ा चिदम्बर। सर्व सामर्थ्यांचे मूळ नाम निर्धार केवळ, अनुभव वेदांताशी देह जाती नाम वीण नसे गती। नाम ध्यात ध्यात से पशुपती सागरी आठवी अगस्ती, नाम मेरूचे शिखरी ध्रुव भार छाया करी। नाम साराचे निज सार दास मणे चिदंबर। जगद्गुरु दास राजाराम महाराज नाम का वर्णन करते हुए बहुत बता रहे कि नाम ही सर्व सामर्थ्य का मूल है, नाम ही अंतिम निर्धार है, नाम ही अनुभव है, वेदांत इसके साक्षी है। नाम के बिना कोई गति नहीं है और नाम इतना बड़ा है कि साक्षात शोभे चापर हस्त की, नाम राम नाम बोले मुखी, कैला सीता घोड़ा देवा। नाम ध्यात से पशुपति, ऐसा नाम का बहुत, नाम मेरुचे शिखरी ध्रुव भार छाया करी। नाम ही पूरा वेदांत का सार है, दासमणे सर्व वेदांता से सार, सर्व वेदांता का हा सार नाम हा निर्धार चिदम्बर। राजा राम महाराज बताते हैं कली बहुत दुर्धर न चले आचार विचार, तप अनुष्ठान से जाना याति करीति नाना विघ्न, ऐसी जानोनी विचार करुणा आदि चिदम्बर। राम महाराज कह रहे कि जो सतयुग द्वापर युग और त्रेता युग में जैसा लोग तपस के लिए जाते थे, लोग एकांत में सालों साल बैठते थे, घरदार सब छोड़ते थे, गुरुकुल में जाते थे, ये सब कलयुग में संभव नहीं है, कलयुग में ये सब असंभव है। इसलिए स्वामी ने भगवान ने भक्तों को सोई करने के लिए, भक्तों को आसान करने के लिए नाम को महत्व दिया है। ऐसा जानो ने विचार करुणा आदि चिदम्बर, सर्व सामर्थ्याची शक्ति नाम ठेविले निश्चित। क्योंकि कलयुग में जो पिछले युगों में जैसा भक्ति हुआ था वैसा नहीं होगा, आचार विचार नहीं है, अर्चना नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई भी ऐसा कभी का जैसा कोई अभी चल नहीं सकता है, कलयुग अलग ही है। इसलिए सरल चतुराक्षर नाम बोलकर उद्धार होने का एक शक्ति नाम में रखा है। ऐसा श्रीमद भागवत में पहले अध्याय में भी बताया है, नाम ही श्रेष्ठ है, कि भगवान अपने इच्छा से नाम में ये सामर्थ्य उन्होंने रखा है। दास मणे उद्धरित निश्चय केला वेद श्रुति, वेद शास्त्र ने भी बताया है कि नाम ही श्रेष्ठ है, नाम ही सर्वस्व है, नाम ही मूल है। ऐसा ये चिदम्बर नाम का जो आज गंगाधर शास्त्री जी पुणे में
उन्होंने जो जुड़े भक्ति बताया है, उसका राजाराम महाराज ने बताया कि साक्षीभूत रहना बहुत महत्व है, मन को शांत करना है, मन को एकाग्रत करना है, मन को विचार रहित करने के लिए क्या क्या करना है, उसी को विठाबाई ने सूक्ष्म देह नाम स्मरण बताया है। क्योंकि सूक्ष्म देह को पहचानने के लिए अंतरंग में शोध करना है, अंतकरण में शोध करना है। देखो हम आंखों से कुछ देखते हैं, लेकिन आंख क्या देख पाते हैं क्या नहीं, आंख के पीछे मन है, मन देख पाता है क्या नहीं, मन के पीछे बुद्धि है जो सिग्नल ब्रेन को भेजता है, लेकिन उस बुद्धि के पीछे चित्त है, चित्त के पीछे ऐसा कोई शक्ति है जो हमें जिसके प्रकाश से हम ये सब देख पा रहे हैं। दिन में तो सूर्य का प्रकाश है, लेकिन सपने में तो हम देखते हैं ना, वही आत्म ज्योति बोलते हैं। उस आत्म ज्योति को पहचानने के लिए आत्म से ही आत्म को देखना पड़ता है, क्योंकि इंद्रिय तो खाली बाहर के व्यक्त वस्तुओं को देख सकता है। इसके लिए हमारा प्रयत्न इतना रहना चाहिए कि हम सीरियस रहना चाहिए, सिंसियर रहना चाहिए, अर्नेस्ट रहना चाहिए और ईगर रहना चाहिए। जब इसका प्रयत्न चालू होता है तो भगवान जो सद्गुरु रूप में हमें मिला रहता है, वो सद्गुरु एक न एक दिन ऐसा आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद के दिन हमें आत्म प्रवेश ने जो ज्योति ओवाड़ो श्रीपति भक्ति महिमा आजलंबर विश्वास उदार आत्म ज्योति का आभास हमें दे देंगे, और उसके बाद कोई फिर संसार में पलट के आने का कोई उधर मौका ही नहीं। जैसा अभी स्वामी चिन्मयानंद जी पोल वॉल्ट का एक एग्जांपल देते हैं, जो स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स में, पोल वॉल्ट में जैसा पोल के आधार से हम जंप लेते हैं, लेकिन जंप लेने के बाद उस पार जाने के बाद फिर पोल को पकड़ना मुश्किल है, वापस आ ही नहीं सकते। ऐसा जब जिसको आत्मज्ञान हुआ है वो फिर पोल को पकड़ ही नहीं सकता है, वापस संसार में आने का कोई उसको प्रसंग एक प्रसंग ही नहीं मिलता है। ऐसा ये अध्यात्म का जो मूल तत्व राजाराम महाराज ने अपने अभंगों में बताया, और ये अभंगों का जो आनंद रहेगा उसे कोई दुनिया से लेने देना ही नहीं है। कौन महाराज, कौन स्वामी जी, कौन क्या है, किसी का भी, सभी लोग खाली टाइम पास है। हमें हमारा उद्देश्य क्या है, मूल चिदम्बर प्राप्ति। उस चिदम्बर प्राप्ति के लिए राजाराम महाराज ने इतना राजमार्ग हमको डाल के दिया है, तो फिर किसी का, तीसरे आदमी का क्या जरूरत है। उसका उदाहरण है गंगाधर शास्त्री जो पूना के रहने वाले, कभी भी किसी के साथ कुछ उन्होंने संपर्क नहीं रखा, जब तक राज वैद्य सब लोग आए चुप बैठे थे, लेकिन जब सबका काम खत्म हुआ वो प्रत्येक कभी उन्होंने चैलेंज किया कि चिदम्बर नाम का शक्ति का प्रदर्शन किया है, और तब तक उन्होंने स्वामी को देखा भी नहीं था। ऐसा दृढ़ विश्वास ये सब सद्गुरु कृपा से मिलता है। हमें भी स्वामी की कृपा से उनके ऊपर एक अपार भक्ति, नाम के ऊपर अपार विश्वास, श्रद्धा, दृढ़ शक्ति और मन को बुद्धि को शांत करने का एक हमें आशीर्वाद महास्वामी सद्गुरुनाथ हम सबको, अब्बा महाराज, मंडोपंत महाराज, इतने तक हमारा भी कई जन्मों का पुण्य है, इसलिए हम इस अभंग को पढ़ना, क्योंकि मराठी का म भी हम मुझे मालूम नहीं था, गंध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक अज्ञान अवस्था से आए हैं तो, लेकिन स्वामी का कृपा अपार है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। ऐसा ये सत्संग इसी तरह चलने दीजिए, जब तक सांस है तब तक भी राज कपूर का वो डायलॉग याद आता है, द शो मस्ट गो ऑन। ऐसा ये अभन सत्संग चलते रहना चाहिए, कोई भी कुछ भी रहने दो, टूटा फूटा भाषा में बोलिए, कुछ भी बोलिए, स्वामी का सेवा निरंतर चलना चाहिए। श्रीकांत जी सभी से प्रार्थना है, जय चिदम्बर, सभी को फिर एक बार धन्यवाद प्रणाम करता।